हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट वुमेन। आज मैं आपके लिए एक डीआईवाई लेके आई हूँ जो कि डेकोर है। आप इसे दिवाली में चाहो तो दिवाली में भी यूज कर सकते हो, जनरल पर्पज से लगाना चाहो तो जनरल पर्पज से भी लगा सकते हो। ये कलर को मैंने ब्लू और वाइट को मिक्स करके फिर ये कलर अचीव किया और उससे इसको पेंट कर दिया था। मैं इसको सूखने के लिए छोड़ दूंगी। और ये जो बॉटल को आपको यूज करना है, आप चाहे तो इस तरह के बॉटल का यूज कर सकते हैं, किसी भी तरह के बॉटल का यूज कर सकते हैं, पर ज्यादा बेटर होगा कि आप कोई राउंड सा बॉटल ले। मैंने यहाँ पे पतंजलि का बॉटल लिया है, तो ये थोड़ा तेल तेल सा बॉटल था, कितना भी साफ करने के बाद थोड़ा सा ऑयलीनेस हो गया था, और तो मैंने ये बॉटल यूज किया है। तो आप देख लेना, अच्छे से साफ कर लेना। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर का दो कोट दूंगी, एक कोट सूखने के बाद दूसरा कोट दिया है इसके ऊपर, फिर अच्छे से इसे सूखने के लिए छोड़ दूंगी। जब बॉटल सूख जाएगा फ्रेंड्स, उसके पीछे बस हमें होल कर लेना है। तो कुछ इस तरह से आप होल कर लोगे। नॉर्मल ही मैंने चक्कू को गर्म करके बस इसमें घुसा के निकाल दिया था। थोड़ा बड़ा ही होल करना ताकि जब आप रस्सी इसके अंदर डालोगे इसमें बांधने के लिए तो थोड़ी आसानी होगी। छोटे छोटे करने से फिर हम रस्सी को निकाल नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा बड़ा होल किया है। तो कुछ इतना बड़ा ही आपको होल करना है। अब बॉटल का काम खत्म हो गया फ्रेंड्स। तो अब हम इसके ऊपर जो भी हमें फ्लावर्स या फिर लीफ या कोई भी डिज़ाइन आपको बनाना है, आप उसके ऊपर बना सकते हो। मैंने ऊपर और नीचे कोई भी डिज़ाइन नहीं बना रही हूँ। आप चाहे तो वहाँ पे भी छोटे छोटे फ्लावर्स बना सकते हो, पर अगर आप ऊपर नीचे बनाओगे तो साइड में बड़े फ्लावर्स मत बनाना, उससे काफ़ी ज़्यादा भर जाएगा तो वो भी उतना अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर पेंसिल से ड्रॉ कर लिया था। ड्रॉ करने के बाद मैं फिर इस पे ब्लैक जेल पेन को इस पे चला रही हूँ और इसके बाद मैं इसके ऊपर कलर करूंगी। और अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप डायरेक्ट ही पेन से भी बना सकते हो। Thank you.
सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो चारों तरफ मैंने फ्लावर बना दिया था। अब इसके ऊपर जो येलो कलर मैंने किया है ना, बस इसको थोड़ा और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए मैंने इसके ऊपर ऑरेंज कलर किया था। पर आप अगर ऑरेंज कलर ना करना चाहो तो ब्लैक कलर भी अगर आप करोगे तब ये और भी ज़्यादा ऑरेंज से भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप ऑरेंज कलर के साथ भी जा सकते हो। तो ये फाइनली कुछ इस तरह से दिखेगा। जो बॉटल पे उस टाइम पे आपने मार्क किया था तो उस टाइम ही आप इसके अंदर से होल कर लेना। इस टाइम पे करने से क्या होता है कि थोड़ा कलर इधर उधर होने का डर होता है, फटने का डर होता है, तो आप पहले ही कर लेना। और इस तरह से मैं किसी नुकीली चीज़ से मैं धागे को अंदर करूँगी और अंदर करके एक साइड से इस तरह से बाहर निकाल लूँगी। काफ़ी आसानी से हो गया था। अगर आप होल थोड़ा बड़ा रखोगे तो काफ़ी आसानी से हो जाएगा ये। सो फ्रेंड्स, मैंने प्रिंट आउट के ये कटआउट्स को निकाल लिया था, काफ़ी अच्छे से निकाल लिया था। पर मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अगर आप प्रिंट आउट को ही ना कटआउट्स ना करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगता है। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि हाँ आराम से ही निकल गया था, पर थोड़ा मेहनत लगता है इसको ऐसे करने में। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो तो फिर वो कट जाता है, तो फिर ज़्यादा उतना अच्छा नहीं दिखता है थोड़ा सा भी इधर उधर होने से। तो आप क्या कर सकते हो कि कार्बन पेपर को नीचे रख के और जो आपने प्रिंट आउट निकाला है उसको ऊपर रख के उस तरह से उसको उभार लोगे तो वो चीज आ जाएगी और फिर आप उसके ऊपर ही डायरेक्ट कलर कर सकते हो। इस यहाँ पे मैंने जो भी मैंने कटआउट्स निकाले थे उसको सारे पे मैंने ब्लैक कलर्स किए, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट का कलर प्रिंट जो होता है उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता है, वो मतलब लगाने के बाद ब्यूटी इन्हांस नहीं होती है उससे। तो बस इसलिए मैंने सब पे ब्लैक कलर कर दिया था और बस आई पे मैं रेड कलर कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा और निखर के वो गुड वाइब्स ओनली दिखे। आप चाहे तो वाइब्स को पूरी तरह से एक बीच के पोर्शन को भी रेड कर सकते हैं, इट्स टोटली अपॉन यू। लेकिन सिर्फ आई करने से ही ये काफ़ी सुंदर सा दिखने लगा था, तो मैं बस इसको बस फैब्रिक स्टिक की हेल्प से मैं बस उस पर इसे पेस्ट कर दूंगी।